नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी। खांसी तो हो रही थी जी, अब कोरोना भी हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोदी जी की साजिश है। ये बद्दुआ दिया उन्होंने कि ये जो लड़का है केजरीवाल, यंग बॉय, क्यों, जब राहुल गांधी लड़का हो सकता तो मैं नहीं हो सकता? कमाल की बात कर रहे हो यार। हाँ, तो ये जो लड़का है ये अपने एरिया में, हर एरिया में दुकान खोल रहा है। और किसकी दुकान खोल रहा है? चार बोतल काम मेरा वही वाली। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो कितना ध्यान रखता हूँ लोगों का। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद उनको दारू मिलती है, और ये लोग हैं मेरे ऊपर ही डंडा कस रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, डंडा दे रहे हैं। क्या करूँ मैं, आप बताओ। मुझे कोरोना हो गया जी, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ इस समय। बीवी ने तो साफ बोल दिया है, बर्तन अलग, कपड़े अलग, बच्चे अलग, चश्मे अलग, और तुम्हारे जैसा घिनौना आदमी मेरे से अलग, मतलब मूछ निकले काट देना यार, ये है ना, तो ये अलग कर दिया है जी। और तो मैं क्या बात बोलूँ आपको, मतलब विश्वास ने तो बोल ही दिया ना, कुमार विश्वास ने, कि 5 करोड़, कितने 550 करोड़ जो भी था, करोड़ों का मामला था दारू का। अब भाई मेरे को कमाई नहीं हो रही तो मैं कहीं से कमाई और करूँगा ना, केंद्र तो कुछ देता नहीं है मुझे, जो कुछ करना खुद ही है। अपना गड्ढा खोदता हूँ, पानी निकालता हूँ, पीता हूँ, बस वही वाली बात है मेरी तो। अरे यार, बड़ी दुग्ध बीमारी है यार। विपक्ष वाले कह रहे हैं क्या, और जाओ गोवा, और गोवा हुआ, तेरे को तो हो गई ये सब चीज़ें, फलाना ढिमाका ये वो। कसम पुलकित की, बच्चा है मेरा जी, बच्चों की कसम तो मैं खा ही लेता हूँ, आपको पता ही है। कुछ तो खाऊं, कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, मतलब कि ना, समझ रहे हो ना, ना क्या कहूँ। और कौन है? अरे भाई सुनीता, देखो इधर गेट पे कोई आया है, गंजा है क्या, हैं कौन, सुसु किया, ओ शिशो दिया, ठीक है बुला लो उसको, उसको बोलना मास्क वास्क पहन के रहे भाई। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था जी कि पूरी दिल्ली बदल दी है, सब जगह लोगों को अवेयर कर दिया है, हर बोर्ड पे आप देखते हो कि मैं चिपका हुआ पड़ा हुआ हूँ, और हमेशा आपसे अपील कर रहा होता हूँ अपना मास्क ढंग से पहनो, ठीक है जी, सैनिटाइजर अपने पास रखो हमेशा, ठीक है जी, और ये करो वो करो। अब आप नहीं करते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे जैसे सेफ बंदे को हो गया तो आप बताओ, आपको तो हो ही जाना है ना। और ये वाली जो लहर है इससे आपको बचना है जी, ये सबसे डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी इन्फेक्शन फैलता है इसका, ऐसा जैसे कि वाईफाई होता ना, एक को हुआ 10 को हो गया। तो आपको नहीं करना है जी, आपको सिर्फ अपने आप को ख्याल रखना है जी, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, क्यों क्यों, कैसे, कब कब। हाँ क्या कह रहे थे सिसोदिया? ओ अच्छा, वो तो चाहते ही हैं कि मैं ना रहूँ। कह रहे अन्ना जी कह रहे थे ये सुअर आदमी ऐसे मरेगा, ऐसे कह रहे थे अन्ना जी। अरे यार ये सब बातें डिलीट कर दिया करो ना यार, मत बोला करो मेरे को, अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाँ जब मैंने क्या करा यार, देखो मैंने चक्कू लेके खक ऐसे मारा ना, मेरा दोस्त राहुल भी ये कहता है, छाती मारा खच, उसकी छाती पीछे से शुरू होती है वो अलग बात है। लेकिन आप एक बात बताओ, पूरी दिल्ली को सेफ करने वाला मैं, एजुकेशन के अंदर काम करने वाला मैं, लोगों से पैसे लेकर के दारू के ठेके खोलने वाला मैं, और लोगों को पास बिठाने के लिए लॉकडाउन लगवाने वाला कौन, मैं, और मुझसे ही ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूं, मरता क्या ना करता। पर इसमें मोदी जी की साजिश ये है कि उन्होंने मेरे घर के आसपास कुछ इस तरीके का माहौल बनाया कि मुझे कोरोना हो गया, 15 दिन के लिए मैं अंदर फिट हो गया, 15 दिन के लिए वाईफाई बंद, मतलब 15 दिन के लिए वाइफ बंद, बच्चे बंद, मैं बंद, और सब कुछ बंद है जी मेरा तो। पर मैं आपसे ये बोलूँगा, सुरक्षा साधनों को ना भूलें, हाथ धोते रहें, चाहे अपने हो या किसी और के, धोते ज़रूर रहें, समझ में आ गई। और इस तरीके की चीज़ें जो आपसे अगर आकर के कोई बोल रहा है, कुछ भी बात है, तो ना करें। अरे सुनीता जरा देखना, वो पर्सनल नर्स के लिए भी बोला था मैंने, आ गई क्या, हैं देखो जरा यार, आने वाली थी वो, चलो आए तो फिर थोड़ा बहुत काम। चलो जी मैं रखता हूँ जी, आप अपना ख्याल रखो।